ये गाना जो है ना, इसके पीछे में बहुत बड़ा लॉजिक है। मैं वीडियो में आगे बढ़ूं और आप इल्जाम लगाओ कि फिर तू देखता ही क्यों है इंडियन आइडल, देखना छोड़ देना, क्या करूं यार, एक पुराना सा लगाव है, एक अलग सा अटैचमेंट है, और हर साल ये सोचता हूं कि कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, सुनने को मिलता भी है, बस दिल जिसको जीतते हुए देखना चाहता है ना, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे इंडियन आइडल का ऑडिशन राउंड में बताया जा रहा था कि 15,000 लोगों को सुनने के बाद में ये 15 लोग थिएटर राउंड में सेलेक्ट हुए, मतलब ये 15 कंटेस्टेंट फाइनल है टिल द एपिसोड। ऑडिशन राउंड में दो बंदा था और वो दो बंदा जो है ना काफी कमाल का था। सबसे पहले बात करना चाहूंगा रितु रिबा के बारे में। रितु रिबा जो था वो भाई साहब आने के बाद उसकी क्लास लगाई गई, और वो पता वो क्लास किस लिए लगाई गई, क्योंकि जब से सोशल मीडिया आया है ना तब से हर कोई अपनी बात सामने रख पा रहा है, और वो बात जो है मेकर्स तक बोलो या किसी भी तक पहुंच जाता है, मतलब जिस तक आप पहुंचाना चाहते हो वो पहुंच जाता है, और वही चीज हुआ भी है। अब मेकर और क्रिएटर को ये समझ में आ चुका है कि भाई ये चीज जो है बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, इसके ऊपर मैं कुछ तो एक्शन लेना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। तो भाई रितु रिबा जो है आता है और आने के बाद परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले उसको रोका जाता है और उसके एक चैट को दिखाया जाता है, जिस चैट में रितु रिबा जो है इंडियन आइडल वालों को बहुत बुरी तरह से लथाड़ता है कि तुम्हारा शो जो है सिर्फ टीआरपी पे चलता है, फालतू का नाटक रहता है, तुम्हारे शो में तो टैलेंट की जरूरत ही नहीं होती, तुम लोग तो पैसे के ऊपर में चलाते हो, इन सारी चीजों के ऊपर में वो बात करता है। अब देखो मैं इस चीज को दो हिस्सों में डिवाइड करना चाह रहा हूं। सबसे पहला हिस्सा कि हो सकता है कि ये रियल है, सच में ऐसा हुआ हो और रितु रिबा ने ऐसा लिखा हो, और उसे पता भी नहीं होगा कि मुझे ऑडिशन राउंड तक जाने का मौका मिलेगा और वहां पे जाकर के ये क्लास लग जाएगी। सेकंड कि भाई अपनी क्लेरिफिकेशन रखनी तो थी सामने में, तो उससे पहले क्यों ना कुछ ऐसा कांड किया जाए जिसमें ये सारी चीजें लिखी गई हो, कोई कंटेस्टेंट ऐसा बोला हो, और उसके बाद से उसको गाने का मौका देकर के ये दिखाने की कोशिश की जाए कि हम टैलेंट को पूरा सपोर्ट करते हैं, देखो हम इसको भी गाने के लिए दे रहे हैं, ये भी आया ना ऑडिशन राउंड तक, वहां तक मुझे लगा विशाल सर मतलब एकदम गुरु है, वो हर किसी को मौका देंगे और किसी को भी सिर्फ इस बिना पे नहीं निकाल देंगे कि उसने इंडियन आइडल की बुराई की है, उसको मौका देंगे, उसमें टैलेंट होगा तो उसको थिएटरकल राउंड तक लेकर के जाएंगे, उसके बाद से एपिसोड्स भी बनेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऑडिशन राउंड में बंदे ने अपना खुद का गाया हुआ गाना गाया और उसने ये भी बताया कि वो किस गांव से बिलोंग करता है, उसका क्या कबीला है, वो सारी चीज उसने बताया। उसका गाना सुनने के बाद में कुछ समझ में तो नहीं आया लेकिन दिल को छू गया, और उसके बाद से नेहा मैम का भी रिएक्शन कुछ ऐसे ही था कि क्या गाना गाया है, इसका मीनिंग बताओ, फिर मीनिंग भी बताता है। उसके बाद से एचआर सर जो है उस गाने को फिर से रिपीट भी करते हैं जैसे कि विशाल सर करते हैं। इससे यह समझ में आया था कि भाई यहां के सभी लोग हम्बल हो चुके हैं और वो जो है अपना स्टैंडर्ड वैसा नहीं रखना चाहते जैसे अब तक रखते हुए आए हैं। लेकिन थिएट्रिकल राउंड में जाने के बाद में समझ में आया कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ क्लैरिफिकेशन के लिए एक बकरा था जिसको लाया गया और निकाल दिया गया। अब हो सकता है कि सोशल मीडिया में इतना बवाल मचे लास्ट टाइम के जैसे कि भाई इसको वापस लेकर के आना पड़े एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री। आप रितु रिबा के बारे में क्या कहना चाहते हो इस बारे में कमेंट सेक्शन पे जाकर के जरूर बताना, आपकी राय क्या है और इंडियन आइडल के आने वाले एपिसोड में आप क्या क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, कौन सा सिंगर आपका मोस्ट फेवरेट है ये भी जरूर बताना, और मैं उसके बारे में भी वीडियोस लेकर के आऊंगा और एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊंगा, और इसी वीडियो की तरह एक पर्सनल ओपिनियन ही होगी, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, आप कुछ अलग भी सोच सकते हो, तो ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है। यहां तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।